स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी हो गई है, तो आपको बताएंगे कि गाइडलाइंस में आखिर क्या क्या कहा गया है। साथ ही दोस्तों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, इस राज्य की सरकार 4.5 लाख युवाओं को देगी नौकरी। साथ ही दोस्तों जानेंगे भारत और इजराइल के बीच एक अहम बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं जेई एडवांस परीक्षा और हाथरस कांड को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको बताएंगी। साथ ही दोस्तों वैज्ञानिकों ने कोरोना जांच को लेकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अब आपका फोन ही बताएगा आप कोरोना संक्रमित है या नहीं। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी अपडेट है। जी हां, भारत रूस की निर्मित टीके को भारतीय लोगों के लिए उपलब्ध करवा सकता है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में जानेंगे कि आखिर 1 अक्टूबर से ट्रैफिक नियमों में क्या बदलाव हुआ है। यदि आप भी इनको नहीं जानते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य इंपोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आपको रूबरू करवाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, इन बातों का रखना होगा ध्यान। जी दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें परिसरों की पूरी तरह सफाई और उन्हें संक्रमण मुक्त करना, उपस्थिति की नीतियों में लचीलापन रखना, 3 सप्ताह तक मूल्यांकन नहीं करना और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घर से पढ़ाई से सुगमता से औपचारिक स्कूल प्रणाली तक बदलाव सुनिश्चित करना शामिल है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के आधार पर खुद की मानक परिचालन प्रक्रिया बनाने को कहा है। मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को कार्मिक तरीके से पुनः खोलने के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा कि स्कूलों को सभी क्षेत्रों, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, पानी के टैंकों, रसोई घरों, कैंटीनों, शौचालयों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों को पूरी तरह सफाई करने और उन्हें संक्रमण मुक्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए और स्कूल के भीतर परिसर में हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। जेंदुतु केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख नए जनसेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला किया है। CSE देश के सभी राज्यों में PPP मॉडल पर काम करती है। वहीं जनसेवा केंद्र पर कई तरह के काम किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। नेतन्याहू की PM मोदी से फोन पर बात, कोरोना से जंग में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। दोस्तों इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर कोरोना महामारी से जारी जंग में सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के अलावा सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। कोरोना महामारी के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच फोन पर हुई यह चौथी बातचीत है। नेतन्याहू ने ट्वीट कर बताया कि भारत के PM नरेंद्र मोदी से कोरोना के खिलाफ जंग में तकनीक का सहारा लेने और अधिक जांच करने संबंधी सहयोग पर सहमति बनी है। बता दें कि भारत और इजराइल शुरुआत से ही कोरोना के खिलाफ संघ मोर्चा संभाले हुए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम जारी, इन छात्रों ने किया टॉप। दोस्तों JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए गए, जिसमें पुणे के रहने वाले चिराग फलोर अव्वल रहे। वहीं अधिकारियों के अनुसार गांगुला भुवन रेड्डी दूसरे स्थान पर और वैभव राज तीसरे स्थान पर रहे हैं। IIT दिल्ली के एक अधिकारी ने बताया कि महिलाओं में कनिष्का मित्तल अव्वल रही है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को बधाई दी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। यूपी में दंगों की साजिश, पुलिस का दावा, हाथरस गैंगरेप केस के नाम पर दंगों के लिए हो रही थी फंडिंग। जनदत्त उत्तर प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि हाथरस घटना के बाद राज्य में जातीय दंगे भड़काने की साजिश रची गई थी। जिले में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और मौत की घटना के बाद तनाव का माहौल है। पुलिस का दावा है कि घटना के बाद जस्टिस फॉर हाथरस नाम से एक वेबसाइट भी बनाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी के गलत बयान प्रसारित किए गए, जिससे राज्य में माहौल बिगड़े। रविवार रात पुलिस ने वेबसाइट और इससे जुड़ी लोकेशन पर
छापेमारी करने के बाद लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में रूस की वैक्सीन से कोरोना टीकाकरण के शुरुआत की उम्मीद, जानिए क्या है योजना। जी हां दोस्तों, रूस में निर्मित कोरोना का टीका देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देश में विकसित दो टीके तीसरे चरण के परीक्षण में है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका भी भारत में तीसरे चरण में है, लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल हो रहा है। वहीं भारत सरकार की रूस सरकार से इस टीके की उपलब्धता को लेकर बातचीत भी चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को ऐलान किया कि जुलाई 2021 तक करीब 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने दावा किया है उसे ये संभावना दिखती है कि रूस में बने टीके को भारत सरकार टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराने जा रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना की जांच में मिली बड़ी उपलब्धि, अब आपका स्मार्टफोन बताएगा आप कोरोना संक्रमित है या नहीं। जेंदो तो जामिया मिलिया इस्लामिया के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक नई जांच किट विकसित की है। शोधकर्ताओं का दावा है कि ये दुनिया की पहली लार आधारित जांच किट है। इस किट की मदद से कोई भी व्यक्ति घर बैठे कोरोना की जांच कर सकेगा, बस किट और स्मार्टफोन होना जरूरी होगा। शोधकर्ताओं ने इसे MISEHT टेस्टिंग नाम दिया है। जामिया के मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज यानी MCRSS के वैज्ञानिक डॉक्टर मोहन जोशी ने बताया कि जांच बहुत ही आसान होगी। किट में लार डालते ही नीली और लाल रेखाएं उभर आएगी, जिस मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो खींचकर या सीधे स्कैन करना होगा। एक घंटे बाद मोबाइल ऐप नतीजे बता देगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पार्किंग में खड़े अपने वाहन को आसानी से ढूंढने में मदद करेगा गूगल मैप, जानिए कैसे। जी दोस्तों, जब भी हम मॉल में शॉपिंग करने, मूवी देखने या किसी बड़े मार्केट में जाते हैं तो अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी कार कहाँ पार्क की थी। कई बार एक जैसी पार्किंग होने की वजह से हमें कार खोजने में काफी समय लग जाता है, लेकिन अब समस्या समाधान आपका गूगल मैप निकालेगा। जी हाँ, अब गूगल मैप आपको बताएगा कि आपने अपनी कार कहाँ पार्क की है। गूगल मैप एक शानदार फीचर की मदद से आपको अपनी पार्किंग की जगह याद रखने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, गूगल मैप आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां आपने कार खड़ी की थी। इसके लिए जब आप कार पार्क करें तो गूगल मैप की मदद से अपनी लोकेशन को पिन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी पिन की गई लोकेशन पर टैप कर नेविगेशन की हेल्प से अपनी कार ढूंढ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस योजना के द्वारा मात्र 200 रुपए के निवेश पर सभी को मिलेगा 14 लाख रुपए का लाभ, जानिए क्या है स्कीम। जैन दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये नौकरशाह लोगों के लिए दी जाने वाली सुविधा है, जिसके द्वारा उन्हें रिटायरमेंट के समय में भविष्य सुरक्षा के लिए तथा भविष्य में होने वाली आपदा से बचने का काम भी PPF के द्वारा होता है। आज के समय में सरकार द्वारा PPF में 7.1% की दर से ब्याज दर प्रदान किया जा रहा है एवं PPF को सरकार के द्वारा बताया गया है कि ये नौकरी करते समय बचाई गई भविष्य की कमाई है। आप इसमें मात्र कुछ ही निवेश करके 14 लाख रुपए तक का लाभ ले सकते हैं। आप PPF के द्वारा अच्छी ब्याज दर का लाभ ले सकते हैं। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते में द्वारा यदि मात्र 200 रुपए का निवेश करते हैं तो आपके द्वारा मासिक रूप से प्रति माह 6,000 रुपए का निवेश कर देते हैं, अर्थात 15 साल में 10,80,000 के लगभग निवेश कर देते हैं, जिसके बाद आपको आपके बैंक के द्वारा 7.1% की दर से ब्याज दर दी जाती है, जिसके द्वारा आपको कुल राशि के रूप में 14,40,000 रुपए की राशि मिलती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस महीने से बदल चुके हैं ट्रैफिक कानूनों से जुड़े ये नियम, अच्छे से देख ले और सुन ले, नहीं तो हो जाएंगे आपका रद्द लाइसेंस। जी दोस्तों, हमारे देश में ट्रैफिक के हालात किसी से छुपे नहीं है। शायद ही देश का कोई ऐसा शहर हो जहां आपको ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार न होना पड़ता हो। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1999 में संशोधन किए थे, जिन्हें इस महीने अक्टूबर से लागू किया गया है। जानते हैं इन बड़े बदलावों के बारे में। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में सबसे बड़ा बदलाव यह किया है कि अब सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए आपकी ड्राइविंग आदतों पर नजर रखेगी। इन संशोधनों के तहत अब आपकी ड्राइविंग अपराधों जैसे रेड लाइट जंप, तेज रफ्तार ड्राइविंग जैसे अपराधों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा और देश भर के ट्रैफिक पुलिस अधिकारी इनका विवरण चुटकियों में देख सकेंगे। यानी कि अब डेटाबेस को सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, जिससे आपकी ड्राइविंग आदतों पर नजर रखी जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं दूसरा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आप अपने वाहन से संबंधित दस्तावेज या कागजात इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजी लॉकर में रख सकते हैं, साथ ही उन्हें सबूत के तौर पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को दिखाया जा सकेगा। संशोधन में कहा गया है कि यदि अधिकारी डिजी लॉकर में सुरक्षित दस्तावेजों को सत्यापित करने में सक्षम है तो लोगों को कागजात को फिजिकल कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी।
एक संशोधन में कहा गया है कि जो भी अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच या मांग करेगा उनकी पहचान भी दर्ज की जाएगी, यानी कि हर वाहनों के कागजात का निरीक्षण एक अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इस निरीक्षण के दौरान अधिकारी की पहचान और वक्त पोर्टल सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि बेवजह ड्राइवरों के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोका जा सके। वहीं दोस्तों आखिरी और सबसे अहम बदलाव ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर है। इस संशोधन में कहा गया है कि हाथों में इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइसेज जैसे मोबाइल फोन को केवल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि डिवाइस को इस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।